चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या मेन इशू जो कोर इशूज है देश के, ये तो शिक्षा स्वास्थ्य और सबसे बड़ा जो आज का मुद्दा है हमारा जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, जिसे कोई भी पार्टी टच नहीं करे। वो हालांकि थोड़ा सा कांग्रेस ने न्याय स्कीम और ये जो रिक्त पद है 22 लाख और पूरे देश में जो 22 लाख रिक्त पद है, हालांकि उसको एक आवाज़ दी है, लेकिन वो हालांकि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि वो 22 लाख पद भर दे। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो उस पर बिल्कुल क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे, एक भी नेता एक भी लीडर ने अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं की। 6 चरणों के चुनाव हो चुके, आई थिंक 19 तारीख को लास्ट चरण खत्म हो जाएगा। ये सबसे मतलब इट हर्ट्स ए लॉट फॉर अस, मतलब हमारे लिए ये बहुत ही घातक साबित होने वाला है। आखिर हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ पीछे छूट गए? हकीकत यही है कि आप भी उस बात से रूबरू हैं कि 45 साल का ये जो आंकड़ा है सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, ये आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, जो 45 साल का आंकड़ा है ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है कि 45 साल की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हाईएस्ट है इस समय, इसमें बात कौन करेगा? हालांकि डेवलपमेंट में इन्होंने बिल्कुल अच्छा काम किया, लेकिन अभी तो विकास की बात कर रहे हैं। विकास की बात जॉबलेस ग्रोथ है ना, जॉबलेस ग्रोथ है, प्रॉब्लम ये है ग्रोथ है लेकिन जॉबलेस है, ये बहुत ही मतलब डिस्ट्रक्शनफुल होने वाला है ये जो जॉबलेस ग्रोथ है। हम एक तरफ कहाँ बढ़ रहे हैं, हालांकि विकास हो रहा है, मेट्रो बन रहे हैं, रेलवेज में काम हुए हैं, लेकिन विकास में अपने साध्वी प्रज्ञा को टिकट दे के क्या मैसेज फैलाया? आप 100% वो है क्या बोलते हैं, 100% आप कंफर्म है कि वो भी क्या बोलते हैं वो है पोलराइज करने की जैसे आपने कोशिश की है चुनाव को, उससे क्या है आप रूलिंग पार्टी है बिल्कुल आपको फायदा है। जैसे अगड़ी जाति के लोग हैं, सवर्ण है, उनके बीच में एक मेंटेलिटी है ना कि ये प्रक्रिया है, इनको टिकट देखें और ये टिकट दूसरी पार्टियों ने देखी, ऐसी बात नहीं है कि मतलब कांग्रेस ने सपा ने बसपा ने नहीं दिया है, दूसरी पार्टियों ने दिया है, लेकिन वो बिल्कुल मतलब एक्यूज्ड है, तो उसको उतनी हॉट सीट से लड़ाना, ये फिर पब्लिक में मैसेज क्या जाता है? क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि आप उन्हें मतलब आप उन्हें टिकट दे कि आप बिल्कुल इम्पोज कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो कि वो मालेगांव की ब्लेस्ट टेरर एक्यूज्ड हैं। आप चुनाव को इतना पोलराइज कर रहे हो क्योंकि आपको पता चल गया था कि 2-3 फेज में हमारे पक्ष में माहौल नहीं है, 2-3 फेज के बाद उनको डायरेक्ट लाके उनको अगले दिन टिकट दिया गया। कहा जा सकता है कि पब्लिक की भावनाओं को छेड़ करके मतलब हाँ इससे फायदा रूलिंग पार्टी को है, बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि डेवलपमेंट हुआ है अच्छी, मतलब जो भी रिसेंटली सरकारें थी ऐसी बात नहीं, ये हम लोग कहते हैं तो बहुत मतलब बुरा लगता है मुझे कि पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया। अटल जी का आप जब पार्लियामेंट का भाषण सुनेंगे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उनको पार्लियामेंट अपने फोन से यूट्यूब में, कि उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छी मतलब पहले की सरकार रही, मैं उसमें एक स्टेप हूँ, मैं एक कड़ी हूँ उसमें जोड़ रहा हूँ। अब ये लोग तो ऐसा नैरेटिव बना दिए हैं देश का कि अब अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनफॉर्चुनेटली नहीं रहेंगे तो देश रहेगा ही नहीं, ये सोचिए कितने अपने आप में कितना हास्यास्पद बात है। देश में इतने इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री रहे, वो भी उसमें एक कड़ी है, उन्होंने भी देश को आगे ले जाने का काम किया है, लेकिन ये कहना गलत। अगर एक बात और भी है कि पिछले सरकार की अगर नकारेपन की बात हम करते हैं तो इसी मुद्दे को लेकर तो हम लोगों ने आपको चुना। नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात ये है ना कि 2014 में आप पब्लिक के बीच ये मैसेज लेके गए थे कि पिछले सरकार ने कोयला 2G 3G भाई भतीजावाद घोटाला ये सब किया, तो हमने आपको मैंडेट दिया। फर्स्ट वोटर जब मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो इनको वोट दिया था एक नए मतलब विश्वास के साथ कि चलो भाई एक नया क्या बोलते हैं, हालांकि पिछले ट्रैक रिकॉर्ड उनका भी अच्छा था गुजरात का एज ए सीएम रहते हुए, तो चलो कुछ मतलब परिवर्तन लाएंगे। हालांकि परिवर्तन हुआ है, डेवलपमेंट किया है इन्होंने, लेकिन डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट पे बात करते तो भारत में ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव को मैं एज ए मतलब डेवलपमेंट अगर लीडर समझूं तो उत्तर प्रदेश में तो जैसा काम ही किसी ने नहीं किया है आज तक, जैसा मुझे लगता है तो वो चुनाव हारे ना बुरी तरह से, तो भ्रष्टाचार से जुड़ा जाता है। भ्रष्टाचार से जुड़ा जाता है, डेवलपमेंट इज प्रोपोर्शनली टू क्या बोलते हैं ये भ्रष्टाचार, ऐसी बात नहीं, डेवलपमेंट जहाँ होगा तहाँ ही भ्रष्टाचार होगा, ये देश का इतिहास है। स्कीम्स आएंगी इस सरकार में, जैसे अनफॉर्चुनेट राफेल का, मैं राफेल पे पर्सनली कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा कि उसी पे बोला जाता है जो प्रूव्ड हो चुका होता है, अभी उस पर क्या बोलते हैं विपक्षियों ने अपना अच्छा राय रखा है, उसको बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड स्टेट ऑफ इलेक्शन लेके चल रहे हैं कि क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार हुआ ही है राफेल में, राहुल गांधी इतना चिल्ला चोर कर रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल हो गया कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन फिर भी वो पब्लिक के बीच में अपनी आवाज़ को पहुँचा चुके हैं कि हाँ राफेल में कुछ ना कुछ हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं बातें आगे आ जाएंगी, लेकिन डेवलपमेंट पे
चुनाव हो नहीं रहा है, ये बहुत ही दुख की बात है। और अभी तो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, राष्ट्रवाद अभी धर्म का मुद्दा रहा, धर्म का, ये जो धर्म का मुद्दा है और राष्ट्रवाद का मुद्दा, ये राष्ट्रवाद की आप परिभाषा को समझिए, राष्ट्रवाद। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि बेरोजगारों को छला जाता है, बेरोजगारों को नजरअंदाज किया जाता है? इस सरकार ने बेरोजगारों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। 45 साल का ये बिल्कुल NSSO का आंकड़ा है, आप देख लीजिए 45 साल के बेरोजगारी स्तर पे हैं हम लोग। इसका जवाब कौन देगा आपको? ग्रोथ है, जॉबलेस ग्रोथ है, ये बहुत ही, मतलब ये समझ लीजिए कि भारत, अभी आपने देखा रिसेंटली 2-3 दिन पहले टाइम्स नाउ का एक अमेरिका ने मैगजीन पे दिया था, डिवाइडर इन चीफ का टाइटल दिया है नरेंद्र मोदी को। तो ऐसी बात नहीं, अब तो ये ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि क्या बोलते हैं, भारत का लोकतंत्र और 5 साल जो क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी को सह पाएगा कि नहीं, ऐसे ऐसे नैरेटिव उठने लगे। और ये नहीं, अच्छा अभी बीच में वो जो एक नोबेल, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, पीएम को लेकर के, विदेश नीति को लेकर के पीएम, विदेश नीति की तारीफ जा रही है। हालांकि उनका विदेश नीति, उसको देशों से जो भी सामयिक संबंध है, इन विषयों में जो उनकी विदेश नीति कूटनीति है वो वाकई प्रेजेबल है, इस बात पे कोई वो नहीं है। डेवलपमेंट इन्होंने किया है, मैं तो कह रहा, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है एज ए मतलब यूथ, कि आप डेवलपमेंट आपने किया, इतने अच्छे अच्छे आपने रोड बनवाए, आपका जो वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है वो इतना अच्छा है, आपने एक सर्वे है कि आप 13-14 किलोमीटर रोज रोड बना रहे हो, आपने अच्छा काम किया, मेट्रोज कई सिटीज में आपने पहुँचाए हैं, तो उस पर चुनाव लड़िए ना। ये कौन सी बात हुई कि 5 चुनाव हो गए तो आप 2 चुनाव राजीव गांधी पे लड़ेंगे? अरे राजीव गांधी 28 साल पहले मर गए, राजीव गांधी को आप क्यों खसीट रहे हैं कि आपने वो किया है, ये किया है, वो किया है? राजीव गांधी ये तो पीछे नहीं जाने वाली बात, देश में हमेशा ही चलता रहा, कभी राम पर लड़ेंगे, कभी राजीव पर लड़ेंगे, इनका कभी बाबरी पर लड़ेंगे, कभी गंगा पर लड़ेंगे। इनका दो ही चीज है, राम मंदिर और राष्ट्रवाद, इस बात को आप समझिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम दुर्गेश राय मेरा है। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात बेबात से अपने विचारों को शेयर करने के लिए। हाँ। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। अब तक के लिए बस यहीं तक। आपने अगर बात बेबात को सब्सक्राइब नहीं किया हो, बात बेबात आप लोगों को अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। धन्यवाद।